नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट बितालुक में। मैं रवि तिवारी। तो हम लोगों ने रैंकिंग से शुरुआत की थी और इस रैंकिंग में बेटा हम लोग दो चीजें पढ़ चुके थे। क्या पहला, यदि हम लोग इस रैंकिंग में देखें तो इस रैंकिंग में सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके थे, क्या बताओ? इस रैंकिंग में हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके थे टोटल नंबर, है ना? टोटल नंबर पढ़ चुके थे। और कल हम लोगों ने इस रैंकिंग में पढ़ा था मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर हम लोगों ने पढ़ा था, है ना? तो टोटल नंबर, मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर, ये हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि मिनिमम टोटल नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था x1 प्लस x2 माइनस 1 इक्वल टू टोटल। जब तक सभी लोग आ रहे हैं मैं रिवाइज कर देता हूं, ठीक है? मैक्सिमम नंबर में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी। एक में हम लोगों ने पढ़ा था SD प्लस MD प्लस BD, ठीक है? यहां पे हम लोगों ने पढ़ा था SD माइनस MD माइनस 2 प्लस BD, याद आ रहा है? चलो, है ना? SD माइनस MD, और इसकी फिर हम लोगों ने दो कंडीशन पढ़ी थी, है ना? क्या? जब SD माइनस MD का मान 2 या उससे अधिक हो, और दूसरा जब SD माइनस MD का मान क्या हो? 2 से कम हो। इतनी बातचीत हम लोगों ने इसमें की थी। इसमें मुझे लगता किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना करने के बाद आज हम लोगों को आगे बढ़ना है ना? इतनी बात सभी को क्लियर हो तो हम लोग आज आगे की प्रक्रिया को शुरू करें। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमें पढ़ना है जिसको हम लोग कहते हैं रैंकिंग का ही तीसरा हिस्सा है, जिसको हम लोग कहते हैं पोजीशन इंटरचेंज। क्या कहते हैं? पोजीशन इंटरचेंज, अलग अलग नाम है इसके, है ना? हिंदी में हम इसको कहेंगे स्थान प्रतिस्थापन। स्थान प्रतिस्थापन, या इसी को हम लोग कहते हैं पंक्ति का विकर्ण संबंध। पंक्ति का विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशंस, है ना? पंक्ति का विकर्ण संबंध क्या कहते हैं? पोजीशन इंटरचेंज या स्थान प्रतिस्थापन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? पंक्ति का विकर्ण संबंध। स्थान प्रतिस्थापन कैसे होता है, पहले इसके बेसिक पे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए किसी पंक्ति से जुड़ा हुआ मामला है, है ना? किसी पंक्ति से जुड़ा हुआ मामला है और उस पंक्ति में दो व्यक्ति अपना स्थान प्रतिस्थापन करते हैं, तो पंक्ति के जो दो सिरे होते हैं उन सिरों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे हम पंक्ति के एक सिरे को कह दें बायां छोर, और दूसरे सिरे को हम क्या कहते हैं बताओ? दायां छोर। बायां छोर और दायां छोर, ठीक है? एक तो ये हो गया। चलिए दूसरा अगर हम लोग देखें यहां पे बायां छोर और दायां छोर, या तो हम ये कह सकते हैं, दूसरा हम क्या कह सकते हैं? पंक्ति के प्रारंभ से, पंक्ति के प्रारंभ से और पंक्ति के अंत से, ठीक है? फिर हम इसको क्या कह सकते हैं बताइए? प्रारंभ से और अंत से के बाद अगर हम लोग आगे बढ़े यहां पे, तो फिर हम कह सकते हैं पंक्ति के ऊपर से और पंक्ति के नीचे से, नीचे से, ठीक है? प्रारंभ से, अंत से, ऊपर से, नीचे से, बाएं से, दाएं से, एक सिरे से, दूसरे सिरे से, एक छोर से, दूसरे छोर से, ये सभी नाम है। जब भी हमें ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि पंक्ति की एक बात हो रही है और उस पंक्ति के लिए सारी चीजें क्या कॉमन है। एक सिरे की बात हो, चाहे दूसरे सिरे की बात हो, चाहे बाएं की बात हो, चाहे दाएं की बात हो, मतलब एक शुरुआत है पंक्ति की और एक पंक्ति का क्या है? अंत है। यहां से प्रश्न हमारे शुरू होते हैं। विशेष परिस्थिति होती है, दो लोग स्थान परिवर्तन करते हैं, और यहां से हम तीन तरह के प्रश्नों के उत्तर निकालते हैं। यहां से तीन तरह के प्रश्नों के उत्तर निकालते हैं, दो तरह की कंडीशन होती है, है ना? चलिए, कौन कौन से तीन तरह के प्रश्नों के उत्तर निकालते हैं? पहला निकालते हैं पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या या वस्तुओं की संख्या। एक तो हमें विकर्ण संबंध से सीधे ये उत्तर मिलता है। दूसरा हमें मिलता है मध्य की संख्या, मध्य की संख्या। और तीसरा हमें उत्तर मिलता है दोनों के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या, दोनों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, दोनों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या। कैसे? समझ लीजिए, है ना? मतलब अगर हम दो व्यक्तियों को पंक्ति में कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर समझिए, अगर हम दो व्यक्तियों को किसी पंक्ति में कंपेयर कर रहे हैं
तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल वस्तुओं की संख्या क्या होगी, एक तो ये पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है पंक्ति में मध्य की संख्या क्या होगी, मतलब पंक्ति में मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या क्या होगी या दोनों के मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, ये दोनों एक ही बात है। और तीसरा यहां पर होता है, ये दोनों एक ही बात है, क्या बताइए, नया स्थान क्या होगा, स्थान परिवर्तन के बाद नया स्थान क्या होगा। ये तीन चीजें आपको इसी स्ट्रक्चर से पता चलेंगी, मतलब अगर आपने विकर्ण संबंध को अच्छे से सीख लिया तो हम लोग तीन चीजों को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं या तीन प्रश्नों के उत्तर हम लोग दे सकते हैं, एक दो और तीन। क्लियर? तो आइए इस विकर्ण संबंध के पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। आपको विकर्ण संबंध सीखने के लिए बहुत आसानी से देखिए करना क्या है, पहले ये समझिए। देखिए मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, है ना, तो आपको स्ट्रक्चर ऐसा सेट करना है कि इसको हम कहते हैं डायरेक्शन के हिसाब से लेफ्ट, इसको हम डायरेक्शन के हिसाब से कहते हैं लेफ्ट, और इसको हम क्या कहते हैं राइट। ठीक है, लेफ्ट में आपको उस व्यक्ति के नाम लिखना है, लेफ्ट में आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है, समझते चलिएगा बेटा, है ना, लेफ्ट में आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके दोनों स्थान आपको दिए गए हो। किस व्यक्ति का नाम लिखना है, जिसके दोनों स्थान दिए गए हो पंक्ति में। एक बार आराम से समझ लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, दिए गए हैं। ठीक है, राइट में हमेशा उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसका नया स्थान ज्ञात करना हो, जिसका नया स्थान ज्ञात करना हो, या जिसका नया स्थान ज्ञात करना हो, या जिसका एक स्थान दिया गया हो, जिसका एक स्थान, ये जो लोग नोट्स बनाते हैं उनको ये स्ट्रक्चर अपने पर बनाना है, या जिसका एक स्थान दिया गया हो। ठीक, राइट में उस व्यक्ति का नाम लिखना है। और हमेशा चलना कैसे है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कैसे चलना है, हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर चलना है, हमेशा कैसे चलना है, लेफ्ट से राइट की ओर चलना है, मतलब जिस व्यक्ति के दोनों स्थान दिए गए हो उस व्यक्ति से हमेशा, जिस व्यक्ति का एक स्थान दिया गया हो उस व्यक्ति की ओर चलना है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि किसी व्यक्ति का किसी पंक्ति में प्रारंभिक स्थान 8 था, ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति का प्रारंभिक स्थान 12 था। ठीक, जब दोनों ने स्थान परिवर्तन किया तो इस वाले व्यक्ति का स्थान परिवर्तन के बाद नया स्थान 6 हो गया, नया स्थान क्या हो गया, 6 हो गया, 3 स्थान दे दिए गए। देखो जैसे सवाल कैसा था, मैं अभी सवाल लगवाऊंगा, पहले सवाल को समझो। सवाल क्या था, एक व्यक्तियों की एक पंक्ति में किसी एल का मतलब लालू, एल का मतलब लालू और आर का मतलब रावड़ी, व्यक्तियों की एक पंक्ति में लालू का स्थान प्रारंभ से 8वां था और रावड़ी का स्थान अंत से 12वां था। जब दोनों किसी विशेष परिस्थिति में अपने स्थान को परिवर्तित करते हैं तो नई स्थिति में लालू का स्थान 6वां हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में रावड़ी का नया स्थान क्या होगा, एक, दूसरा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, और तीसरा लालू और रावड़ी के बीच में पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। फिर समझिए, तीन प्रश्न बनते हैं, क्या प्रश्न है फिर समझिए, क्या है ना कि ये तो भाई एक स्ट्रक्चर हो गया, हमें इस स्ट्रक्चर को सॉल्व कैसे करना है इसको समझिए। जैसे देखो आपने कहा हमेशा कैसे चलना है, लेफ्ट से राइट की ओर, तो हम 8 से 12 की ओर चले, परिवर्तन कितना है, आपके पास 8 रुपए थे 12 रुपए हो गए, मतलब 8 रुपए थे 12 रुपए हो गए, घटे कि बढ़े, तो आप कहेंगे बताइए क्या हो गए, बढ़ गए, कितने रुपए बढ़ गए, 4 रुपए, तो आप कहेंगे +4, समझिए, आप कहेंगे +4, जो परिवर्तन ऊपर होगा वही परिवर्तन हूबहू नीचे होगा, तो नीचे भी +4 होगा, तो नीचे जब आप +4 करेंगे तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, तो ये 10 हो जाएगा। एक सवाल का उत्तर आपका यही मिल गया। अगर आपसे पूछा गया कि नया स्थान क्या है तो नया स्थान बताओ क्या हो गया, 10 हो गया। बहुत आराम से हम कैसे जांचेंगे कि जो हमारा विकर्ण संबंध बना है वो विकर्ण संबंध हमारा सही है कि नहीं है, है ना। विकर्ण संबंध को सही करने के लिए हमें देखना होता है
कि ये जो दोनों विकर्ण हैं, इन दोनों विकर्णों का योगफल बराबर होना चाहिए। अगर दोनों विकर्णों का योगफल बराबर है तो इसका मतलब ये है कि पंक्ति का रेशियो हमारा सही बना। कैसे? जैसे हम 6 और 12 को जोड़ दें तो कितना होगा? 18। और अगर हम 10 और 8 को जोड़ दें तो भी कितना होगा? 18। और 18 बराबर 18 हो गया कि नहीं? तो अगर हमने 8 और 10 को जोड़ा तब भी 18 हुआ, और अगर हमने 6 और 12 को जोड़ा तब भी 18 हुआ, और 18 बराबर कितना हो गया? 18। इसका मतलब हमारा विकर्ण संबंध सही है ना। अब यहां से दूसरा प्रश्न बनता है आपका, इस बॉक्स में देखिएगा, फिर हम लोग सवालों पर चलेंगे, एक बार समझ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न जो इसका यहाँ पे बनता है वो क्या बनता है ना, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या की संख्या, ठीक है। कैसे निकालते हैं कुल व्यक्तियों की संख्या? सिंपल है ना। क्या करना है बताइए कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए? कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए आपको करना है क्या बताओ? किसी एक विकर्ण का योगफल माइनस वन, कैसे निकलेगी? किसी एक विकर्ण का योगफल माइनस वन, माइनस वन है ना। अब देखो किसी एक विकर्ण का योगफल, तो या तो हम इसको जोड़ दें, तो हम कह दें 10+8-1, या हम कह दें, या इस विकल्प को ले ले 12+6-1। दोनों से ही जब हम कैलकुलेट करेंगे, या तो हम इस विकल्प से कर दें तो भी 17 आएगा, और या तो हम इससे कर दें तो भी क्या आएगा? 17। तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी बताइए? 17। कैसे निकाला? किसी एक विकल्प का योगफल माइनस वन है ना। अगर हमसे पूछा जाए यहां पर कि दोनों के बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या है ना, जैसे चलो ये तो एक हो गया, दूसरा मान लीजिए जगह कम यहां लिखते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि दोनों के बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या, तो दोनों के बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या को कैसे निकालते हैं? तो देखो बीच में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर माइनस वन, किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर माइनस वन। ध्यान से समझिए, एक बार ही समझना है, दोनों स्थानों का अंतर माइनस वन। अब देखिए किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर माइनस वन, तो या तो हम ये दोनों स्थान ले लें 8-6-1, या हम क्या कर लें ये दोनों स्थान ले लें 12-10-1। तो बताओ 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया कितना बचा बताओ? 1 बचा। चलो अब 12 में से 10 गया 2, 2 में से 1 गया कितना बचा? 1 बचा है ना। तो अब बताओ अगर एक बचा दोनों में यहां से, तो दोनों में अगर एक बचा यहां पर, तो देखो मध्य में बैठे, इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ? मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या, मध्य में व्यक्ति, तो किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर माइनस वन। तो या तो हम इसको ले लें। तो यहां पर विकर्ण संबंध से तीन चीजें हमारी क्लियर होती है। पहले मैंने क्या क्या समझाया कि सबसे लेफ्ट में उस व्यक्ति को लिखना है जिसके दोनों स्थान दिए गए हो, और राइट में उस व्यक्ति को लिखना है जिसका नया स्थान निकालना हो। लेफ्ट से राइट की ओर चलना है, जो परिवर्तन ऊपर होगा वही परिवर्तन नीचे होगा। हम कैसे जानेंगे कि पंक्ति का विकर्ण संबंध सही बना है? यदि दोनों विकर्णों का योग बराबर है तो हमारा विकर्ण संबंध क्या है? सही है। कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? किसी एक विकर्ण का योगफल माइनस वन। और बताओ और बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर माइनस वन। कभी कभी दो परीक्षाओं में तीनों सवाल ही एक सवाल के साथ पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। हो सकता है कभी कभी आपसे एक ही सवाल पूछ लिया जाए, एक ही प्रश्न आपसे पूछा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब एक ही प्रश्न हमें आपसे पूछा जाता है तो आपको तब भी विकर्ण संबंध बनाना होगा, और लास्ट लाइन पर फोकस करना होगा कि लास्ट लाइन पर आपसे पूछा क्या गया है। जैसे मान लीजिए हमने पूरा दे दिया और लास्ट लाइन में कहा तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो मतलब विकर्ण संबंध बना के आपको इतना करना है। अगर आपसे पूछा जाए तो पंक्ति में दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो पूरा विकर्ण संबंध बना के इतना करना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नया स्थान कितना है, तो पूरा बना के इतना करना है। क्लियर हुई ये बात? चलो ये आपका एक सवाल है, और मैं पूछना चाह रहा हूं कि इस सवाल में आपको मुझे बेटा तीनों उत्तर बताने हैं, बहुत छोटी सी जगह पर। एक पंक्ति में राम आरंभ से 17वें स्थान पर है, अगर समझ में आ गया तो क्लियर कर दो, एवं मोहन अंत से 27वें स्थान पर है, ठीक है।
जब दोनों स्थान परिवर्तन करते हैं तो मोहन आरंभ से 14वें स्थान पर हो जाता है। तो तीनों सवाल मुझे आपको बता दीजिए, बताइए क्या स्थिति है इसकी। सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके दोनों स्थान दिए गए हो। दिशाओं विशाओं से मतलब मत रखिए, दिशाओं से आपका कोई लेना देना नहीं है, दिशाएं आपसे मतलब नहीं है। आप सीधे सवाल हल करना समझिए, क्या लिखा है। एक पंक्ति में राम आरंभ से 17वें स्थान पर और मोहनंत से 27वें स्थान पर। चलो जब दोनों स्थान परिवर्तन करते हैं तो मोहन के दोनों स्थान दिए गए। देखिए मोहन का एक स्थान दिया गया और मोहन का दूसरा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे किसको लिखेंगे बताओ, मोहन को लिखेंगे, और यहाँ पे किसको लिखेंगे, राम। मैंने पहले कहा कि सबसे पहले उस व्यक्ति को लिखना है जिसके दोनों स्थान। अब बताओ मोहन का स्थान कौन सा है, 27वें स्थान पर था। तो देखो पहले सापेक्ष में जब मोहन 27 था तो राम क्या था, 17, है ना। अब मोहन कितना हो गया, 14। अब देखो स्ट्रक्चर बन गया, तो हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर चलना है, ठीक है। 27 से 17, आपके पास 27 रुपए थे और 17 रुपए हो गए, कम हुए कि ज्यादा, कम हुए। कितने कम हुए, 10। तो आप कहेंगे -10 कम हुए। कितने कम हो गए, 10 रुपए कम हो गए, तो आप कहेंगे -10 हो गए, ठीक है। अब बताओ अगर ये -10 हुआ और यहाँ पे हम लोग -10 करेंगे तो ये कितना होगा बताओ, 4 होगा, होगा कि नहीं। तो आप बताइए अगर 27 और 4 है और 17 और 14 है यहाँ पर, तो अब देखो नया स्थान क्या हो गया, 4। तो एक उत्तर तो क्लियर हो गया कि नया स्थान क्या है बताओ, 4 है, ठीक। अब दूसरा देखो क्या विकर्ण संबंध सही है, 27 और 4 31 और 17 और 14 31, मतलब विकर्ण संबंध सही है। अब अगर कहा जाए कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या किसी एक विकर्ण का योगफल -1, तो अगर हम लोग कहते हैं 27 + 4 - 1, तो ये कितना हो गया बताओ, 30 हो गया। 27 + 4 - 1 कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। अब यहां पे हम लोग अगर देखें कि कुल व्यक्तियों की संख्या, तो किसी एक बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या, तो किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर -1, तो हम कह देंगे 27 - 14 - 1। 27 में से 14 गया 13 और 13 में से गया कितना, 12, है ना। तो दोनों के मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या बराबर 12, है ना, और ये कितना हो जाएगा आपका कुल संख्या बराबर बताओ, 30, और बताओ नया स्थान क्या हो जाएगा, 4। तो हमारे जो ऑप्शन था वो क्या हो जाएगा, 4, 30 और 12, 4, 30 और 12, क्लियर हुई बात। हाँ चलिए, इसके हमें तीनों आंसर खट से बता दीजिए, किसी का आंसर गलत नहीं आना चाहिए, तो हम लोग रैंकिंग के अगले सेगमेंट पर अपना चलेंगे। चलिए अनुपातिक संबंध पढ़ना है, चलो इसका आंसर बता दो, तो फिर इसके बाद रेशियो रिलेशन पढ़ लेंगे, रेशियो रिलेशन एक पंक्ति का पढ़ लेंगे। इसका आंसर तीनों बता दीजिए जल्दी से, क्या लिखा है। मैंने कहा दो व्यक्तियों के नाम लिखने गलत कैसे हो गया, देखो तीन स्थान दिए गए, एक सीता है और दूसरी गीता है, फिर तीसरा बस देख लीजिए, तीसरी कौन है, गीता, मतलब गीता के अगर दोनों स्थान दिए गए हो तो आपको सबसे पहले किसको लिखना है, गीता को, और फिर किसको लिखना है, सीता को। इतना जिस व्यक्ति के दोनों स्थान दिए गए उसको सबसे पहले। अब बताओ गीता का पहला स्थान क्या था, 10, चलो इसके सापेक्ष सीता का स्थान क्या था, 14, वेरी सिंपल। फिर गीता का क्या हो गया, 8। अब बताओ हमारे, अब लेफ्ट से राइट की ओर चल रहा है, हमारे पास 10 रुपए थे, 14 रुपए हो गए, बड़े की घटे बड़े कितने, +4, अगर 4 ऊपर बढ़े तो 4 नीचे बढ़ा दीजिए, +4 हो गया, तो 8 + 4 कितना हो गया, 12। पहला उत्तर तो यहाँ पे क्लियर हो गया बताओ, कितना हो गया, 12। दूसरा कुल व्यक्तियों की संख्या देख लीजिए बेटा, 12 और 10 = 22, 14 और 8 = 22 बराबर हो गया, मतलब 12 + 10 - 1 बराबर कितना हो गया, 21, ये भी सही हो गया। कुल बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी, 1 होगी, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के स्थानों का अंतर -10 - 8 - 1 = 1, ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर हो गया 12, 1, 21, 12, 1, 21। अगर यहां से हम लोगों ने शुरुआत की थी तो यहां तक का हम लोगों ने क्लियर भी कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अगले टॉपिक पे बढ़ा जाए रैंकिंग के आगे, कि इसमें भी और कोई गुंजाइश रह गई है। कोई तीन में से एक सवाल आपसे हमेशा पूछा जाता है, विकर्ण संबंध या स्थान प्रतिस्थापन से तीन सवाल बनते हैं, क्या क्रिस्टल क्लियर है बताइए। अगर आप सही लगाएंगे तो हमेशा विकर्ण क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो फिर दिक्कत होगा, विकर्ण इक्वल होना ही इस सवाल को लगाने के लिए सबसे अच्छी चीज है। इस सवाल को चेक करना हो तो तब तक ये सवाल सही नहीं होगा जब तक ये विकर्ण का योगफल बराबर नहीं होगा। अगर विकर्ण का योगफल बराबर नहीं है, इसका मतलब विकर्ण संबंध सही बना ही नहीं है, है ना।
तो विकर्ण का युगफल यहाँ पे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बहुत जरूरी है। देखिए दो व्यक्तियों के नाम है, पहले के साथ पहले वाला रखेंगे, चाहे बाद वाला पहले हो चाहे पहले वाला, और लास्ट वाले के साथ लास्ट वाला, वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, है ना। इसका सभी लोग बताएं, इसमें एक ही चीज पूछा गया, कुल छात्रों की संख्या, लेकिन विकर्ण तो बनाना ही पड़ेगा, जल्दी बनाए। छात्रों की एक पंक्ति में देखिए 42 आप लोगों का उत्तर आया, सही है। अब देखो जैसे मैं समझ लीजिए, अब देखो एक स्थान कमल का दिया गया है, कमल के सापेक्ष श्याम का दिया गया है, पहली पंक्ति में जो दोनों स्थान दिए गए उसी, अब फिर किसका दिया गया है, कमल का दिया गया, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या करेंगे, कमल को लिखेंगे, और फिर किसको लिखेंगे, श्याम को लिखेंगे, विकर्ण अपने आप बराबर आएगा। आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं, देखिए अब 12वां स्थान था कमल का, 12 लिख दिया, तो श्याम क्या था, 18 था, फिर कमल का स्थान कितना हो गया, 25 हो गया। अब देखो विकर्ण बराबर, 12 रुपए थे, 18 रुपए हो गए, कम हुए कि ज्यादा, ज्यादा कितने, 6 ज्यादा हुए, तो 12 और 6 18, तो 25 में जब 6 जोड़ोगे तो कितना होगा, 31 होगा, होगा कि नहीं। अब बताओ विकर्ण सही है कि नहीं है, कैसे जाना करोगे, दोनों विकर्णों का एक फल करो, 12 और 31 को अगर हम जोड़ेंगे तो 43 होगा, 18 और 25 को जोड़ेंगे तो भी 43 होगा, होगा कि नहीं। अब 43 अगर होगा यहां पर, तो 43 का मतलब क्या है, किसी एक विकर्ण का योगफल -1, तो किसी एक विकर्ण का योगफल कर लीजिए, तो 12 + 18 - 1, है ना, तो बताओ 12 + 18 कितना होगा, 43 - 1 बराबर कितना होगा, 42 होगा, क्लियर। यहां पे देखिए, सॉरी गलत कर दिए, किसी एक विकर्ण को जोड़ना है, ठीक है, चलो यहां पे देखिए 12 + 31 - 1, 12 + 31 - 1 तो कितना हो गया, 43, 43 में से एक गया तो कितना हो गया, 42। या आप ऐसे करेंगे 25 + 18 - 1 तब भी 42 आएगा। अगर मैं कहूं दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो हम क्या कहेंगे बताओ, 25 - 12 - 1, 25 - 12 = 13, 13 - 1 बराबर कितना हुआ, 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12, और ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर आप लोग बुद्धिमान हैं, तो एक टॉपिक का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं पंक्ति का अनुपातिक संबंध, क्या कहते हैं, पंक्ति का अनुपातिक संबंध, बहुत आसान सा टॉपिक है और एक ही बेसिक होता है, और इसमें कुछ ना तो फॉर्मूला है ना तो कुछ समझना है, जो बुद्धिमान होगा वो उसको ऐसे ही लगा लेगा। मैं एक सवाल दिखा रहा हूं आपको, है ना, पहले आप उस सवाल को देखिए, और उस सवाल को देखने के बाद फिर आप कोशिश करिए कि कैसे इसको करना है। चलो जैसे मान लो एक सिंपल सा सवाल आपसे आईएएस की परीक्षा में पूछा गया, बहुत बेहतरीन, सस्ता और जबरदस्त सवाल, और ऐसे सवाल जब एक बार आईएएस ने पूछे तो फिर सबने पूछे, इसी को हम कहते हैं अनुपातिक संबंध। इस सवाल को जरा सा लगाइए, तो ये बेसिक कॉमन सेंस की बात है, जरा सा एक बार पढ़िए, पहले ध्यान से पढ़िए, हड़बड़ाइए मत, बताए कमल और श्याम के बीच कितने लोग होंगे, किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर -1, या तो कमल के ही दोनों स्थानों का अंतर लेके घटा दीजिए, या तो श्याम के ही दोनों स्थानों का अंतर लेके घटा दीजिए। जी इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा बताइए, 36 होगा। एक सवाल मैं और होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूं जिनको आ गया, उसके अलावा सवाल है 120 सदस्यों की एक पंक्ति में, यह सवाल अभी एक परीक्षा में पूछा गया है, मैं बताता हूं, 120 सदस्यों की एक पंक्ति में 4 भाग लड़के तथा 3 भाग, सॉरी 4 भाग लड़के तथा 2 भाग, भाग या गुना एक ही होता है, 2 भाग लड़कियां हैं, लड़कियां हैं, क्लियर। यदि दया का स्थान ऊपर से पंक्ति में, ध्यान से समझिएगा, 27वां हो, दया का स्थान ऊपर से पंक्ति में 27वां हो, और दया से पहले 14 लड़के पंक्ति में खड़े हों, तो दया के बाद, पंक्ति में कितने
लड़के और लड़कियां होंगे, मतलब दोनों बताऊंगा, यदि दया स्वयं एक लड़की हो। यदि दया स्वयं एक लड़की हो, ये एक सवाल है, ठीक है। दया है ना, ये कुछ कॉमन नाम है, ध्यान रखिएगा। ये सीआईडी वाले दया हैं कि तारक मेहता वाली दया भाभी हैं, ये जब आप जब तक नहीं जान सकते जब तक इनके बारे में क्लियर ना किया गया हो, ठीक है। हाँ हाँ आकाश जाट चौधरी, लेकिन आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे क्योंकि आपको याद नहीं करना पड़ता है। लेकिन बेटा अगर हर सवाल को पंक्ति बनाकर करोगे तो उसमें बहुत दिक्कत है, क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग बहुत होता है। आपको परीक्षा देने के लिए सवाल करना है, ना कि स्वयं की नॉलेज के लिए, ठीक है। पंक्ति बना के करना कभी कभी बहुत घातक भी हो जाता है ना, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आप तब से ये लिख रहे हैं कि पंक्ति बना के मेरा गलत हो रहा है, पूरे आपकी क्लास के 100 जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सबको उत्तर आ गया, सबने 4 सवालों के सही उत्तर किए। बुद्धिमानी इसमें है कि आप अभी भी वही मैसेज टाइप कर रहे हैं कि सर पंक्ति बना के बता दीजिए, है ना। जहां पंक्ति बना के बताना था वहां बता चुका हूं, यहाँ पंक्ति बना के बताऊंगा तो पूरी क्लास कंफ्यूज हो जाएगी। तो ये मुझे डिसाइड करने दीजिए कि मुझे आपको कैसे बताना है ना, इसको आप मत पूछिए। आप अकेले क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताने की कोशिश करता हूं जिससे कंफ्यूजन कम से कम हो। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आएगी। आइए ध्यान दीजिए, क्लियर है। दोनों सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। हाँ चलिए, क्लियर है। चलिए आईएएस का पेपर कल मैं कोशिश करूंगा कि आईएएस के पेपर में रीजनिंग के जितने भी सवाल आए हैं मैं आप लोगों को हल कराऊं पेपर टाइप करा के, ठीक है। आईएएस के पेपर जो हुआ है 4 तारीख को, उसमें रीजनिंग के जो भी सवाल आए हैं अगर पेपर टाइप हो गया तो मैं कल उन सारे सवालों को आपको हल करा दूंगा, ठीक है, जो भी सवाल आपके आए हैं रीजनिंग में, ठीक। चलिए उससे आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको समझ में भी आएगा कि आईएएस में कैसे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। और जितने टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं उतने टॉपिक से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप करने की स्थिति में है कि नहीं है, तीनों चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो कल हम लोग थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए आईएएस का पेपर हल कर लेंगे, उसके बाद फिर अपने सेशन को कंटिन्यू कर लेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू सो मच।